एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुषा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी इन टुडेस वीडियो। आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू समथिंग डिफरेंट, जो मैंने कभी भी मेरे चैनल पे इस तरह का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। सभी लोगों का कुछ ना कुछ चीज़ों पे एडिक्शन होती है, जैसे कि मेनली लड़की लोगों का कि लिपस्टिक पे या फिर कॉस्मेटिक्स या फिर हेयर पे या फिर साड़ी ज्वेलरी, कुछ ना कुछ चीज़ों पे सबका एक एडिक्शन होती रहती है। तो मेरा खुद का पर्सनल जो एडिक्शन है वो है परफ्यूम का। मैं छोटी थी तब से मुझे परफ्यूम का पूरा एडिक्शन था, क्योंकि अभी भी है। जो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो उस जगह से मैं परफ्यूम एक ना एक तो खरीदती हूँ, एंड मुझे बहुत ही पसंद है उसका फ्रेगनेंस। क्योंकि परफ्यूम एक चीज़ है जो आपके माइंड को बहुत अच्छे से एक अच्छी मूड बनाती है। कुछ दिन पहले मैंने ऑल गुड सेंस से कुछ परफ्यूम्स में रिसीव किया है, तो यू कैन सी दिस इज ऑल द परफ्यूम जो मैं इंडिविजुअली आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी। पहली जो बात है, इस ब्रांड के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं पहले ही इस सबको खरीद लेती थी, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैंने इसको देखा, जब मैंने यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब इतना ही पसंद आया कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल पर बताऊँगी तो आप लोग ज़रूर समझ पाएंगे। जैसे कि कुछ कुछ परफ्यूम जो होते हैं कि लगाने के बाद कुछ टाइम बाद वो फ्रेगरेंस उड़ जाते हैं, या फिर जो फ्रेगरेंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर पहले बार अच्छी लगती फिर सेकेंड टाइम उसका फ्रेगरेंस कुछ ख़राब हो जाते हैं। एंड कुछ परफ्यूम है कि वो खरीदने के टाइम एक स्मेल आते हैं, फिर एक साल बाद उसका स्मेल थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो ऑल गुड सेंस ने मुझे 4 परफ्यूम मुझे भेजे हैं, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इनमें से 2 परफ्यूम मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी क्यों मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले मैं इन सब परफ्यूम का क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, यू कैन सी मुझे ये 4 परफ्यूम मिला है, तो चारों का अलग अलग नेम है। जैसे कि जो फर्स्ट रन है उसका नाम है वार्म, जो फर्स्ट रन है उसका नाम है वार्म वुड, सेकेंड वन क्रंची ग्रीन, एंड थर्ड वन इज गोरमेंट वनीला, एंड द फोर्थ वन इज स्मोकी पैचुअली। यू कैन सी द पैकेजिंग, इट्स लुक सो लग्जरियस एज यू कैन सी। एक कार्डबोर्ड की बॉक्स पे है, एंड इसके साथ जो ये बॉटल है ये 30 ml का बॉटल है, एंड इस ग्लास बॉटल है, एंड इसके साथ आपको मिल रही है एक सैम्पल भी। यू कैन सी एक स्पंज भी आपको मिल रही है। मैं अगर 4 परफ्यूम लगाऊंगी तो आप मुझे समझ में नहीं आएगा, मतलब बताने में कि कौन सी टाइप का है। तो मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग परफ्यूम लगाऊंगी, एंड उसका फ्रेगरेंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ द वार्म वोट, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले मैं इसको मेरे लेफ्ट नेक पे अप्लाई करूँगी, 3 स्प्रे में करती हूँ। इसका जो स्मेल है बहुत ही एक स्वीट सा स्मेल, अगर किसी को स्वीट स्मेल पसंद है, जैसे कि होता है ना बहुत मीठा एक स्मेल, बहुत ही मतलब स्पेशली लड़की लोगों के लिए, तो ये स्मेल बहुत ही स्वीट होते हैं। अगर आपके मूड एकदम ख़राब है, मतलब आप चाहते हैं कि अच्छा सा एक स्मेल लेंगे, तो एक स्वीट सा स्मेल है इसके अंदर। सेकेंड है क्रंची ग्रीन, पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों है, तो फिर भी मैं इस नेक एरिया पर मैं अप्लाई करती हूँ। इसका भी स्मेल मतलब स्वीट सा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक फ्रेश आपको लगे, माइंड को बहुत अच्छे से फ्रेश रख देंगे, एंड इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा होना है, और थोड़ा सा फ्रेश मैं चाहती हूँ। स्पेशली समर टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह का माइल्ड रिफ्रेशिंग परफ्यूम मांगते हैं कि जो मूड को रिफ्रेश कर दे, तो इसलिए इसका नाम है गोरमेंट वनीला। ये मेरा सेकंड फेवरेट परफ्यूम है जो मैं मेरे रीस्ट पे अप्लाई करूंगी, एंड ओ माय गॉड, इसका जो स्मेल है मतलब
मैं सिर्फ इसका मुझे लग रहा है कि मैं इसको स्मेल करती जाओ जितना देर तक इस स्मेल रहते हैं। बहुत ही प्यारा सा स्मेल है, बहुत ही मतलब एक होते हैं ना, मतलब स्वीट भी नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बहुत हल्का सा एक माइल्ड सा स्मेल है। मतलब बहुत ही अच्छा, मैं इसको अलग तरीके से मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला, इसलिए ये मेरी सेकेंड फेवरेट है। मैं फिर से उसका नाम बताती हूँ, गोल्ड मैंट वनीला। मैं फिर से आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं पता नहीं सबका प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं, बट माय गॉड गाइस, इसका स्मेल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब पता नहीं इसका मैं सूखते जाऊंगी तो मेरा वीडियो चलती ही जाएगा। लास्ट वन है स्मोकी पैचोली। आई डोंट नो मैं ठीक से इसको भी प्रोनाउंसिएशन करूँ क्योंकि सबका अलग अलग नेम है, तो एंड द नेम इज सो डिफिकल्ट। ओके, सो इसको मैं मेरी राइट रिस्ट पे अप्लाई करूंगी। आप लोग समझ ही चुके हो ये मेरी क्यों सबसे ज्यादा फेवरेट है इनमें से। बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही मतलब आप अगर डेट पे जाना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि डेट पे हम चाहें और बॉडी से एक अच्छा सा माइल्ड सा स्मेल रहे, तो ये वाला परफ्यूम उसके लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कि ये वैनिला वन, जैसे कि ये जो वैनिला है ये, एंड ये जो है स्मोकी पैचोली, तो ये दोनों परफ्यूम डेट नाइट के लिए एंड वेडिंग डे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी जो फ्रेग्रेंस के बाद अभी आते हैं इसका क्वांटिटी का, इसमें 30 ml करके क्वांटिटी है एवरी ईच बॉटल पे, एंड सबके साथ एक सैम्पल भी है जो एक क्यूट सा है, मतलब ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अगर आप चाहते हो कि कहीं घूमने जा रहे हो आप डेट नाइट के लिए, तो आप पर्स पे भी कैरी कर सकते हो। इतना सा ही छोटी है, आप देख सकते हो बहुत ही छोटी एक प्रोडक्ट है, तो इसको आप कैरी कर सकते हो एंड ये बहुत दिन तक चलने भी वाली है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। जो मेन चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, ये जो चार में फ्रेग्रेंस के बारे में परफ्यूम के बारे में मैंने बताया, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, इस परफ्यूम को आप लोग मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो वैनिला वन एंड पैक्चुअल जो भी है, तो इन दोनों को आप लोग एक साथ भी मिक्स कर सकते हो, उससे और भी अच्छा एक स्मेल आएगा। जैसे कि ये दोनों पहली वाली जो दोनों थी, एक ग्रीन क्रंची एंड वार्म वोड, ये दोनों एक स्वीट सा है, रिफ्रेशिंग है, तो दोनों को भी मिक्स करके आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी पसंद है। एंड इस ब्रांड का सभी परफ्यूम मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि मैंने बहुत सारा परफ्यूम यूज़ किया है, लेकिन सब में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि कुछ परफ्यूम का स्मेल ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, कुछ स्मेल थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, कुछ परफ्यूम क्या करते हैं, आपकी जो क्लॉथ से जो भी आप पहने हो वो ख़राब कर देते हैं, स्पॉट बना देते हैं, क्योंकि परफ्यूम हम लोग क्लॉथ्स पे भी लगाते हैं कभी कभी। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका फ्रेगनेंस, सभी फ्रेगनेंस इतना लाइट है, इतना माइल्ड है, एंड मतलब इतना माइल्ड है, मतलब मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी जब तक ना आप लोग ये खरीदेंगे, कि बहुत ही एक प्यारा सा स्मेल है, जो स्पेशली लड़की लोगों के लिए ही है परफ्यूम, तो लड़के लोगों के लिए तो नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि लड़के लोग नहीं चाहते उसके बॉडी से कुछ स्वीट सा स्मेल आए, लेकिन हाँ लड़के लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रंची ग्रीन जो है वो वाला लड़के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ना ये जो है डेट नाइट के लिए एंड कहीं अब जाने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये जो परफ्यूम है इसका प्राइस इतना कम है। जैसे कि इसका प्राइस है 400, ठीक है, लेकिन 400 में ये लोग जो दे रहे हैं, जैसे कि एक लग्जरियस एक बॉटल दे रहे हैं जो काफ़ी पसंद है मुझे, छोटी सी आप कैरी भी कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आपको सैंपल भी दे रहा है, हाँ, और जो बात है वो है लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन नहीं, मैंने एक दिन क्या किया था, इसको बॉडी पे स्प्रे किया था एंड मेरी क्लॉथ्स पे भी, फिर नेक्स्ट डे तक भी उसका स्मेल था, मतलब वो ड्रेस पे मुझे इतना पसंद है। एंड और भी अच्छी बात है, कभी कभी क्या करते हैं, और बाहर से आते हैं तो रूम पे हम लोग जो बाहर के कपड़े तो हैंगिंग करके रखते हैं, तो रूम पे भी इसका स्मेल इतनी अच्छी से फैला रहा था, मतलब बहुत ही प्यारा सा स्मेल है इसका।
तो आप लोग अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो ऑल गुड सेंस का एक यूट्यूब पर चैनल भी है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके उन लोगों का परफ्यूम का और भी जितने सारे परफ्यूम है वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मैं इसका लिंक भी दे दिया हूँ, आप लोग इसको आप लोगों को कॉम्बो पे भी इसको मिलेगा, आप लोग अगर कॉम्बो पे खरीदना चाहते हो कॉम्बो पे भी ऑफर प्राइस है। अगर आप लोग मेरी तरह एडिक्टेड है परफ्यूम का तो आप लोगों को ज़रूर ये वाला परफ्यूम ट्राई करना चाहिए। एंड जो लोगों को जो लड़कियाँ अभी भी परफ्यूम के बारे में नहीं जानती तो आप लोग अगर बिगिनर हो परफ्यूम को लेकर तो फिर आप लोग ये इस ब्रांड का परफ्यूम ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत ही काम में आने वाली है ये वाला परफ्यूम, क्योंकि बहुत ही माइल्ड, मैं बार बार बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं कि ये वाला परफ्यूम सिर्फ मुझे पसंद है, काफ़ी होता है ना कुछ कुछ लोगों का कि एक परफ्यूम एक लड़कियों को पसंद आए तो सेम परफ्यूम दूसरे लड़कियों को नहीं भी पसंद आ सकते, लेकिन ये वाला परफ्यूम ऐसा नहीं है, ये सभी को, क्योंकि इसका इतने सारे रेंज है ना, इतने सारे रेंज है स्मेल का, फ्रेगनेंस का, तो और मैं तो सब डिटेल्स बता भी दिया हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको परचेस कीजिए एंड मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये परफ्यूम। अगर आपका हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू वॉन्ट मोर न्यू वीडियो लाइक दिस देन प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली लव टू डू दैट। सो फॉर नाउ आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।